Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज ईशान ने मेरे लिए एक डिनर प्लान किया है, सरप्राइज डिनर। तो जैसे ही मेरा बर्थडे है, ईशान ने कहा चलो आज तुम्हारा डिनर तो बनता है। और आज के दिन तो वैसे भी यार बीवियों पे थोड़े मेहरबान हो ही जाते हैं हस्बैंड। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं लालटेन, तो चलो चलते हैं। तो जब हमने एंट्री करी तो माहौल बहुत अच्छा हो रहा था सब जगह, मतलब सीट्स फुल थी, अंदर भी बाहर थी। थोड़ी सी यहाँ पे बाहर सीटिंग थी, थोड़ा सा इनका अंदर एसी में सीटिंग थी, तो एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर साउंड्स प्ले हो रहा था, मतलब लाइव गिटार बजा रहे थे, एनसिंग कर रहे थे सॉन्ग, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो माहौल बहुत अच्छा था, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। ये सरप्राइज़ मेरे लिए बहुत बेस्ट था ईशान की तरफ से। तो हम यहाँ आराम से वेट कर ऑर्डर दे रहे थे, तो ऑर्डर भी हमें समझ नहीं आया था हम क्या दें, क्योंकि ईशान को पता था कि यहाँ पे क्या चीज़ बेस्ट है। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, तो बैकग्राउंड में जो थे हमारे वो सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। हम ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग थे ना, वो सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो मैं देखो गाना भी गा रही हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा था यार, सीरियसली। एंड इतने हमने ऑर्डर दिया और फिर हमने अपना ऑर्डर देख के फिर से हमने सोचा कि हम बाहर जाएं, तब तक जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आता। Thank you so much, man. But I hope aap logo pasand aaya, cheers to everyone. Baki, thank you so much. Baki, teri badi mera boda, jise tari na mari. Wow, mere bhaiya, bhai saab, thank you. All right. Main ye bata raha hu, main धीरे धीरे ना लेवल पे आ जाता हूँ, बड़ा अच्छा लेवल आता है। तो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा और यहाँ पे सभी बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्यों ईशान? बिल्कुल, निशा को तो बहुत मज़ा आया, हमने बार बार अपने मन पसंद के गाने सुने, तो हम फाइनली अंदर आ चुके थे और निशा पी रही है मैडम जूस ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। और ये आ गया हमारा प्यारा प्यारा सा पिज्जा, आज के दिन तो बनता है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत पिज्जा से ही है, शादी से पहले वाली मोहब्बत ही आ रही है। ये डाइट चल रही है इनकी, डाइट में इनको सबसे पहले चाहिए पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा का जैसे मैंने स्लाइस उठाया, पर इन्होंने मेरा हाथ रोक दिया, क्यों? क्योंकि इनको तो लिखना था उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे निशा। यार इतना चीज़ी, इतना यम्मी, माउथ वाटरिंग। सीरियसली अगर आप लोग यहाँ पर जाते हैं तो पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना, बहुत 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 औसम। तो गाइस, यहाँ पर हमारा फूड आ चुका था और हम बहुत अच्छे से अपना फूड इंजॉय कर रहे थे। और बाकी हमारे आस पड़ोस बहुत ज़्यादा चिक चिक, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, क्योंकि फैमिलीज थी जहाँ हम बैठे थे, हमारे आसपास बच्चे थे, फैमिलीज थी, सभी थे, मतलब बहुत ज़्यादा चिक चिक हो रही थी, चिक चिक हो रही थी। ये हमारा तीसरा पार्ट आ रहा है निशा के बर्थडे के ब्लॉग का, तो गाइज आप लोग जो जो इसको देख रहे हैं प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। Yeah.
तो ये जो है पति देव हमारे, इन्हें कहीं पर भी लेके चले जाओ, दिल्ली के किसी भी कोने में, लेकिन इन्हें खाना अपना चिली पोटैटो है। तो ये चिली पोटैटो बहुत ज़्यादा पसंद है इन्हें, कहीं पर भी जाएं और सबसे पहले ये ढूंढते हैं चिली पोटैटो। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या है उसमें, तो हमने वो ऑर्डर करा, वो हमारा आया जिसके आपने देखा, और अब हम उसे थोड़ा सा खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो हमारी बहुत ग्रेट आज का डिनर हो गया, बाप रे बाप बड़े मज़े आए हैं। तो आप भी आए, आप भी ऐसे ही इंजॉय करें, अपना दिन अच्छा बनाएं और अपने पार्टनर के साथ ज़रूर आए यहाँ पर। तुम्हारे बर्थडे में भगवान याद रखेगा, ध्यान रखना, सब ढूंढने आएंगे।